Danny? Zero. Congratulations. God bless you. Yellow blue. Congratulations, God bless you. Marcy. Congratulations, God bless you. No, it's okay, sir. Okay, perfect. Okay, ready. चैंपियनशिप भोपाल में जो 30 सीनियर नेशनल वोसु चैंपियनशिप में भोपाल में जो अभी कंपटीशन हुआ 4-10 दिसंबर में, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो वोसु टीम है वो 8 गोल्ड एंड 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। तो उसके लिए मैं आपके सबके माध्यम से सरकार की ओर से और अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं वोसु टीम को और उनका प्रेसिडेंट को और उनके पूरे टीम को मैं कंग्रेचुलेशन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारा प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का इतना ऊंचा नाम ऊंचा और सभी को गौरव दिया हम लोग को। तो साथ में हमारा साथ उपस्थित है यहाँ का दारित्र स्पोर्ट्स तादर आपा जी भी उपस्थित है, और मैं खास करके जो हमारा जो आने वाला जो युवा है यूथ लोगों को भी मैं इसी प्रकार खेल के माध्यम से और हर स्पीच में कहीं भी मैं दौरा करता हूँ तो कहीं भी जाते हैं मैं लोगों को यूथ लोग को जो खेल में जिस डिसिप्लिन में आप जानते हैं उस डिसिप्लिन को आप इसी प्रकार जैसे हमारा अभी जो टीम ने जो मेडल लेकर आए प्रदेश के लिए इसी प्रकार आप लोग कोई भी फील्ड में आपको जो सकता है उस फील्ड को आप लोग खेलिए। और हमेशा मैं कहता हूं कि और युवा लोग को ड्रग्स छोड़िए और खेल पे जोड़िए, तो इस प्रकार का ये मंत्र को मैं हमेशा युवाओं के साथ रखता हूं। और मैं दोबारा आप सभी को जो टीम को और मैं विश्वास रखता हूं कि आने वाला में भी और अरुणाचल प्रदेश में स्पीच में कहीं भी दौरा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में ये बताता हूँ कि आने वाला साल में 10-15-20 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश जो है इस खेल का पावर हाउस बनेगा। तो इसी लक्ष्य के साथ हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर या उपस्थित है, हम सब मिलकर हमारा एसोसिएशन के साथ मिलकर हम लोग 2024 का ओलंपिक में भी हम लोग पूरा टारगेट करके 2024 एंड 2028 उस ओलंपिक को भी हम लोग एक मिशन विजन बना के अरुणाचल प्रदेश से आने वाला में ज़रूर एक अपना मेडल लेकर आएंगे। और इसके साथ लास्ट टाइम कैबिनेट में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमें क्लियर आदेश दिया कि खेल में इसी टारगेट को लक्ष्य को लेकर आने वाला 2024 के लिए अपना अरुणाचल प्रदेश से एक खेल को ग्रूमिंग करें, 4-5 खेल को ऐसे चुनिए कि जिसमें हम सब फोकस करें ताकि 2024 को ओलंपिक में अपना यहाँ से मेडल जीत के आए। तो इसी लक्ष्य के साथ हम लोग पूरा मिलकर डिपार्टमेंट और एसोसिएशन पूरा मिलकर हम लोग ने काम कर रहा है, और उसका हर एसोसिएशन का जो डिसिप्लिन में है उन सब के साथ भी हमने मीटिंग किया, और कुछ दिन के बाद पूरा एसोसिएशन डिसिप्लिन का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने वाला है, और इसमें हम लोग सब मिलकर अपना प्रदेश का नाम और ये भी आप लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस दिन से अपना ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने जिस दिन से प्रदेश का दौरभाग संभाला और हमें इस युवा और खेल मंत्रालय को हमें दायित्व दिया, उस समय से हमारा जितना भी एसोसिएशन और डायरेक्टर सेक्रेटरी या सब उपस्थित है, तो हम लोगों ने आप लोग देखे होंगे कि कहीं ना कहीं नेशनल खेल में, कहीं ना कहीं जोनल खेल में, कहीं ना कहीं खेलों में पूरा दूसरा स्टेट को हमारा अरुणाचल प्रदेश का बीत करके आते हैं। कोई ऐसा अभी तक जितना भी टीम गया यहाँ से, चाहे तोकटवार में हो, चाहे वो वोसु में हो, चाहे वो कराटे में हो, चाहे बॉक्सिंग में हो, कोई भी खेल में अपना प्रदेश का लोग खिलाड़ी कुछ ना कुछ उसको मेडल लेकर आ रहा है।
तो उसके लिए मैं जितने भी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, खास करके हमारा वसु टीम या प्रेसिडेंट उपस्थित है, उन सभी को मैं सरकार की ओर से, जनता की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से मैं धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। तो इसी चार शब्द के साथ मैं और दोबारा मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा और ये जो खिलाड़ी जो उपस्थित है सामने, उसको बेस्ट विशेष हम और आने वाला में भी, और सिर्फ देश में ही बोल के नहीं, पूरा एशियन गेम में, ओलंपिक में भी जरूर आने वाला में जीत के आएंगे, इस मैं विश्वास उम्मीद रखता हूँ। ध्यानचंद के जन्म दिवस में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से 1 करोड़ समथिंग इंसेंटिव हम लोग देते हैं हर खिलाड़ी को। जब तक हमारा पास रिकॉग्नाइज नहीं होगा, सरकार को पता नहीं होगा, हमारा डायरेक्टोरेट में उसका लिस्ट नहीं सबमिट नहीं करेगा, जाते समय सबमिट नहीं करेगा, आते समय नहीं बताएगा, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ एसोसिएशन है, वो बुलाता है, वो चले जाते हैं, आने के बाद हम लोग को पता नहीं होता है। तो ऐसा है। तो इसलिए अभी आपके इस आप सभी चैनल के माध्यम से मैं जितना डिसिप्लिन अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की जितने भी उसका अंदर में जो एसोसिएशन है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कहीं भी जर्नल में हो, नेशनल में हो, एशियन गेम में हो, जाइए, लेकिन कितने लोग जा रहा है वो आप डायरेक्टोरेट में लिस्ट सबमिट कीजिए, आने के बाद भी आप जीतो या हारो उसको बताइए, हम लोग पहुँच गया। तो वो रिकॉर्ड अभी हम लोग डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टोरेट में उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग अप द स्टेप। जो इंडिविजुअल गेम है, वी आर फोकसिंग ओनली इंडिविजुअल गेम, बट आई थिंक ग्रुप गेम है, उसमें हम दूसरा ओलंपिक में इसको उसी से हम लोग विन होगा, जैसे कि फुटबॉल हो गया, जैसे कि जो गेम है ग्रुप गेम है, लेकिन मेरा फोकस सरकार का जो फोकसिंग ये है कि जो इंडिविजुअल गेम्स है उसमें हम लोग 4-5 को आइडेंटिफाई करें, उसी पे फोकस करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि 2024 में अरुणाचल प्रदेश इसी गेम पे जैसे भी मेडल लेकर आएंगे। 2024 अगर नवा नहीं हुआ तो 2028। हम लोग का ऑलरेडी 4 लड़की एशियन गेम ट्रायल के लिए सक्सेस हुआ है। एशियन गेम ट्रायल मीरत में हुआ था, उसमें नेशनल लेवल में फाइट और ये कॉम्पिटिशन करके अभी जो भी एशियन गेम्स का कैंप रहेगा ना, और वो लोग जाएगा, और उसका ये दानी नूरी है ना, दानी नूरी लोग अभी गोल्ड मिला है तो सीनियर नेशनल में, ये भी उसमें और भी हमारा इंक्रीज होगा। अरुणाचल से फर्स्ट टाइम एशियन गेम कोई भी नहीं खेला, उसका लड़की लोग से ही माने एशियन गेम में चाइना का 2022 एशियन गेम में ये लोग क्वालिफाइड होगा। सर आपको थोड़ा आइडिया होने से ये वुशु के बारे में टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा बता दीजिए, किस टाइप से होता है ये, कैसा गेम है, किस टाइप का गेम है वुशु? तो वुशु दो भाग का होता है, एक सनसो और एक तालू। सनसो मंस पाइट तो ये फुल कॉन्टेक्ट पाइट होता है, और तालू मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव, आप लोग देखता होगा वुशु का ना, ये में स्पीयर से लेकर के और स्वॉर्ड से लेकर के माने ये करता है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है वो भी, ये ऐसा होता है दो। तो वुशु मीन्स माने मार्शल आर्ट्स चाइनीज वर्ड में। सर ये एकेडमी कौन सा एकेडमी को रिप्रेजेंट करता है ये लोग? नहीं, एकेडमी हिसाब से नहीं होता है, एक इंस्टीट्यूट है वुशु वगैरह, वुशु का नहीं, वुशु में अभी संगे लादेन में ही ये एक हम लोग ने पाइट करके संगे लादेन में अभी गवर्नमेंट अरुणाचल ये दे रहा है वुशु का। उधर में दो तो है, एक तो है अपना स्टेट गवर्नमेंट का और दूसरा तो है ये का, ये साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अच्छा, ये लोग सब संगे लादेन का? हाँ, संगे लादेन का है। So how about the financial help from these sports department? Because sports department में बहुत सारे issues होते हैं, the players they themselves say कि government बाद में जाके देते हैं, पहले आगे तो जब आगे जाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, उन लोग loan लेके जाते हैं। So how about this game? नहीं, उसको में भी जितना sports यहाँ affiliated है Olympics है ना, और sports ये department से उसमें
अभी जैसा ये प्लेयर लोग जाएगा, जाने से अपना मैनेज करके जाएगा, और रिटर्न आने का बाद में वो केस इन माने जो भी केस में वो वगैरह बना करके बिल बना करके रिफंड मिल जाता है। रिफंड बहुत लेट से मिलता है। हाँ, वो तो कोई भी गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया सेम ही है, सेम ही होगा। बट मिल जाता है रिफंड? हाँ, मिलता है, मिलता है। सर, वी वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, क्योंकि इन लोग तो अभी अपना करियर को देने वाला है, इसमें टाइम इनपुट करने वाला है, तो जो अभी वो लोग पढ़ाई वढ़ाई को भी तो थोड़ा सेक्रीफाइस करके इसमें टाइम इनपुट करेगा होगा, तो इसमें उन लोग का जो करियर का जो वो है स्कोप्स लोग हैं, तो आप लोग क्या उसको गारंटी देते हैं क्या, मतलब इन फ्यूचर? नहीं, जो सक्सेसफुल होगा ना। हाँ, अभी मान लीजिए ये लड़की लोग, सर मान लीजिए सक्सेसफुल हो रहा है, एशियन गेम में मेडल लाता है, वर्ल्ड में तीन गेम है इंडिया में, इंडिया के लिए ना, एक तो है ओलंपिक, ओलंपिक का सेकेंड में एशियन गेम आता है, जहाँ चाइना जापान कोरिया लोग इंडिया लोग होता है, और उसका बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है, तो ये जो तीन गेम में अगर ये लोग मेडल मिल गया तो मिनिमम तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस मिल ही जाएगा यहाँ में, ये सर्कल ऑफिसर भी मिल सकता है, माने गजेटेड पोस्ट में मिल जाता है, तो ऐसा तो अपना रिस्क लेना पड़ेगा, और कोई उस लेवल तक नहीं जा पाता है ना, वो लोग यहाँ में हमारा यहाँ जॉब आता है, तो मेरी तरह ये स्पोर्ट्स पर्सन हिसाब से जॉब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई मिलता है, और पढ़ाई में स्पोर्ट्स का मेरिट के लिए देता है तो पढ़ाई को नहीं देखता है, मेरी कम हो गया, वो लोग तो बीए पास नहीं है, एसपी है, अभी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो मणिपुर पुलिस में, तो ऐसा ऐसा बहुत लोग है, अच्छा स्कोप है।